हेलो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में आप लोगों को मिसलेनियस के क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा। तो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन होते हैं मिसलेनियस में। तो हमारा जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जीपीएस इज अ डिवाइस। तो जीपीएस क्या है? टू इंडिकेट पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑन द ग्लोब। ऑप्शन बी, टू इंडिकेट पोजीशन ऑफ द ग्लोब इन रूम। टू इंडिकेट पोजिशन ऑफ द अर्थ इन रिस्पेक्ट ऑफ द सन। ऑप्शन डी, टू डिटरमाइन इफ ए सीरीज इज जीपीएस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, टू इंडिकेट पोजिशन ऑफ ए पॉइंट ऑन द ग्लोब। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोइल वाटर मूव फ्रॉम। सोइल वाटर कहाँ से मूव करता है? तो हाईएस्ट पोटेंशियल टू लोएस्ट पोटेंशियल में जाता है। तो ऑप्शन ए का, ए, हाईएस्ट पोटेंशियल टू लोएस्ट पोटेंशियल, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्काई रेडिएशन, डिफ्यूज स्काई रेडिएशन इज डिफाइंड एज। तो ये क्या होता है हमारा? टोटल डायरेक्ट सोलर रेडिएशन ऑन अर्थ सरफेस। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फोर, ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड बाई। तो ह्यूमिडिटी का हमें मेजर करते हैं हाइग्रोमीटर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फाइव, अर्लियर सिक्वेंस एंड स्पेशली अरेंजमेंट ऑफ क्रॉप एंड फॉलो इन गिवेन एरिया इज रिफर्ड टू एज। तो इसको क्या बोलेंगे? क्रॉपिंग इंटेंसिटी, क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉपिंग सिस्टम, क्रॉपिंग अरेंजमेंट। तो ये हमारा हो जाएगा क्रॉपिंग पैटर्न, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सिक्स, इथेनॉल कैन बी इजिली ऑब्टेंड फ्रॉम सब्सटेंस रिच इन। तो किससे इथेनॉल रिच होता है? कार्बोहाइड्रेट से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेवन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसर्न्ड विथ फेजिंग आउट ऑफ CFCs। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, आउटर, ऑप्शन बी आउटर स्पेस ट्रेटरी, ऑप्शन सी रैमसर कन्वेंशन, ऑप्शन डी SAARC समिट समिति। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर एट, फोटोकेमिकल स्मोक फॉर्मेशन स्टार्ट विथ। एनओ, ऑप्शन है NOx, हाइड्रोकार्बन, एक्स, SOx, वोल्टेज ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा NOx, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नाइन, पेन इज द, पेन क्या होता है हमारा? टर्मिनेशन प्रोडक्ट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोग, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर टेन, मैथेन इन बायोगैस अकाउंट्स फॉर। तो कितनी होती है मैथेन बायोगैस में? 50 से 65%, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर वेपर आर प्रेजेंट इन द। तो वाटर वेपर कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? टोपोस्फेयर में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, URL स्टैंड फॉर। URL क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, द जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूटेड इंफॉर्मेशन कैन बी बेस्ट बी स्टोर्ड एनालिसिस कैन प्रिंटेड बाय यूजिंग द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर। तो इसमें कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं? ILWIS, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, द टोपोग्राफिकल डिटेल्स ऑफ एनी एरिया कैन बी ड्राइव्ड यूजिंग द रिमोट सेंसिंग डाटा ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। ऑप्शन ए पेन डाटा, मल्टी स्पेक्ट्रल बैंड डाटा या फिर स्पेक्ट्रोपिक हाई रेजुलेशन रिमोट सेंसिंग डाटा, मल्टी स्पेक्ट्रल रिमोट डाटा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मल्टी स्पेक्ट्रल बैंड डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, द टर्म बीईएस विथ रिफरेंस टू जियो हाइड्रोलॉजी स्टैंड फॉर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी वर्टिकल इलेक्ट्रिकल साउंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, द टर्म कंजर्वेशन एग्रीकल्चर रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करता है ये? ऑप्टिमाइज यूज ऑफ अवेलेबल नेचुरल रिसोर्स। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वाज लॉन्च्ड इन ईयर, किस ईयर में लॉन्च की गई है? तो 14-15 में लॉन्च की गई। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, हाउ मच फाउंड करोड़ वाज एलोकेटेड टू द अप्रूव्ड प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना फॉर इरिगेशन विच वाज अनाउंस्ड इन द यूनियन बजट 2014 and 15। तो कितना अनाउंस्ड किया गया है? 1000 करोड़। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, वर्ल्ड फॉरेस्ट डे एंड वर्ल्ड वाटर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 21 मार्च and 22 मार्च। फॉरेस्ट डे 21 मार्च को होता है और वाटर डे 22 मार्च को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, वर्ल्ड सोइल डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, सोइल डे किस दिन मनाया जाता है? तो 5 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, नेशनल ब्यूरो ऑफ सोइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग इज सिचुएटेड एट, तो ये कहाँ है? नागपुर में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, मीटर सुटेबल फॉर फ्लो टोटलाइजेशन इज, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टर्बाइन फ्लो मीटर। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, आ फ्लो मीटर डेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्लूड इंटेंसिटी डेंसिटी इज, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर, और कहीं पर इसको रोटोमीटर भी मारते हैं, तो दोनों ही ऑप्शन सही हो जाते हैं जो भी आप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, द ट्यूब ऑफ द रोटोमीटर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेपर्स डाउनवर्ड। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, आर रोटोमीटर कैन बी यूज्ड, रोटोमीटर कहाँ यूज करते हैं? तो ओनली इन वर्टिकल डायरेक्शन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, द यूएन फॉर्म फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट
क्लाइमेट चेंज COP 2021 एंड 2015 वाज हेल्ड इन, क्या हुआ है, पेरिस में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर इज यूज्ड इन एसआई सिस्टम फोर, इसलिए यूज करते हैं न्यूटन पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर। डायनेमिक विस्कोस्टी के लिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। इन एसआई सिस्टम सिंबल फॉर द स्पेसिफिक वेट इज, क्या होता है इसमें, न्यूटन पर मीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। स्ट्रेस इन एसआई यूनिट इज एक्सप्रेस्ड इन, स्ट्रेस की एसआई यूनिट का हम एक्सप्रेस करते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। 1 न्यूटन इज इक्विवेलेंट टू, 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.10197 kgf। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। मीटर स्क्वायर इज यूज्ड इन एसआई सिस्टम फोर, किसके लिए यूज करते हैं, तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी के लिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट अ सर्टेन प्लेस इज 1 kg पर मीटर स्क्वायर, द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इन एसआई यूनिट विल बी, तो कितनी हो जाएगी, 9.81 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। 10^-12 इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसके, अगर 12 लिखा हुआ है माइनस में तो हम इसको बोलते हैं पिका, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। 100 kN पर मीटर स्क्वायर प्रेशर इज इक्वल टू, किसके बराबर होता है, 1 bar, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, 1 bar इज इक्वल टू 100 kN पर मीटर स्क्वायर प्रेशर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। द फंडामेंटल्स यूनिट इन एसआई सिस्टम आर द सेम एज दैट ऑफ, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एमकेएस यूनिट, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। द थिकनेस ऑफ ए माइक्रोन इज, थिकनेस कितना होता है माइक्रोन का, 10^-6 meter, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। 1 newton फोर्स इज इक्वल टू 0.0197 kgf, 1 kgf इज इक्वल टू 9.80665 newton, 1 kgf अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 98.0665 kilonewton पर मीटर स्क्वायर, या ऑल ऑफ द अबव, इसमें से कौन सा सही है ये आपको पता करना है। तो 37 नंबर का ऑप्शन जो सही है वो ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि सभी यूनिट सेम दिया हुआ है, एक दूसरे के बराबर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। 1 kg इन ग्रेविटेशनल यूनिट इक्वल इन न्यूटन इन एसआई सिस्टम, तो ये क्या होती है, 9.8, यहाँ पे 9.8 भरना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39।
द रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन एंड जियोमेट्रिक मीन इज, क्या रिलेशन होता है? तो इसका रिलेशन हो जाएगा जियोमेट्रिक मीन का स्क्वायर इक्वल टू अर्थमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40। फॉर द डाटा 1, -2, 4 ज्योमेट्रिक मीन इज, तो इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा ज्योमेट्रिक -2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। पडलिंग इज यूज्ड टू, पडलिंग कहाँ यूज करते हैं? रिड्यूस द परकुलेशन ऑफ वाटर को करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। द डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन इज, सरफेस टेंशन की डायमेंशन क्या होती है? सरफेस टेंशन की डायमेंशन होती है MT - 2 MT - 2। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। द फर्स्ट डेरिवेशन ऑफ ई की पावर एक्स स्क्वायर राइट एक्स इज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2x ई की पावर एक्स की पावर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। टू फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 30 न्यूटन एंड 40 न्यूटन एक्ट्स मतलब लगना एट राइट एंगल टू ईच अदर, द रिजल्टेंट फोर्स, दो फोर्स लग रहे हैं 30 और 40 न्यूटन के, तो उसका रिजल्टेंट फोर्स कितना आएगा? तो रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा 50 न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। द स्पीड ऑफ सीपीयू ऑफ कंप्यूटर इज गिवन बाई, सीपीयू स्पीड काहे में देता है? गेगा हजार्ड में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स इक्वल टू 2, ब्रैकेट में न्यूमेरिकल दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 के इस पावर 1, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 1/5, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। इफ द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पी इज पी देन पी इज कॉल्ड, तो हम पी को क्या बोलेंगे? तो इसको हम बोलेंगे इनवर्टरी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर एरिया ऑफ मैप इज, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो कि यूज करते हैं एरिया मेजर करने के लिए मैप पे? तो प्लैनीमीटर, कौन सा? प्लैनीमीटर। ऑप्शन नंबर सी प्लैनीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। जोन लेयर इज एटमॉस्फेयर इज कंटेंट इन, ओजोन लेयर इन एटमॉस्फेयर इज कंटेंट इन, कहाँ पे रहती है ये? स्ट्रेटोस्फीयर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50। द प्रोडक्ट ऑफ टू ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज, ये क्या होती है? तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51। द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द टोटल सॉइल वॉल्यूम इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे हम इसको? पोरोसिटी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। इन विच फ्लोमीटर द प्रेशर ड्रॉप रिमेन नियरली कॉन्स्टेंट बट द एरिया चेंज, किसमें होता है? रोटोमीटर में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। इफ एफ एक्स इज अ परफेक्ट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 5 एंड 1 रिस्पेक्टिवली देन द वैल्यू ऑफ एफ एक्स फॉर एक्स इजक्वल टू 6 इज। तो इसको इसका जो राइट आंसर आएगा वो हो जाएगा 0.124। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54। द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज। लीनियर इक्वेशन सिस्टम क्या होती है हमारी? नो सॉल्यूशन। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55। द कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस बी आई इज डिनोटेड बाई। तो हम किससे डिनोट करते हैं? ए माइनस बी आई। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56। आर्किमिडीज प्रिंसिपल इज यूज्ड इन डिटरमाइनिंग द। आर्किमिडीज सिद्धांत कहाँ यूज किया गया? तो ये हमारा सेंटर टू ग्रेविटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडी, इसके लिए यूज करते हैं, जिस पे जहाज का तैरना जो नियम है उसी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ ए बॉल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर इज। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 4 पाई आर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58। इंडिकेट द वैल्यू ऑफ 2+3i (1-i). तो क्या इंडिकेट करता है ये? 5+i। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59। क्लोजनेस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ आउटपुट टू द ट्रू वैल्यू ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी इज नोन एज। ट्रू वैल्यू के लिए हमको क्या करना होगा? प्रिसाइज ज्यादा करना होगा या एक्यूरेसी के साथ में ज्यादा करना होगा? तो हमको ट्रू वैल्यू के लिए एक्यूरेसी की ज्यादा ध्यान देना होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक्यूरेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60। द एंगल बिटवीन द लाइन 2x - y + 5 = 0 एंड 3x + y + 4 = 0 इज। क्या हो जाएगा हमारा इसका एंगल? तो ये एंगल इसका निकल के आएगा 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61। द लाइन 2x - 3y = 5 एंड 3x - 4y = 7 आर डायमीटर ऑफ ए सर्किल ऑफ एरिया ए 154 स्क्वायर यूनिट। देन द इक्वेशन ऑफ सर्किल इज। तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा सर्किल का? एक्स, ऑप्शन नंबर सी, x² + y² - 2x + 2y = 47। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट विच डिवाइडेड द लाइन सेगमेंट जॉइन पॉइंट ए 0,0 एंड बी 9,12 इन द रेशियो 1:2 आर। क्या हो जाएगा इसका? 3:4 रेशियो जो आएगा इसका 3:4। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63। इफ वाई इजकल टू लॉग 10x देन द वैल्यू ऑफ डी वाई डी एक्स एट एक्स इजकल टू 5/4 इज। क्या वैल्यू आएगी इसकी? 1। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64। इफ x की पावर y इजकल टू e की पावर x - y देन द डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू। तो ये किसके बराबर होता है? log x अपॉन 1 प्लस log x की पावर 2। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65। द रेडियस ऑफ स्क्वायर इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ 0.1 सेंटीमीटर पर सेकेंड
द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स सरफेस एरिया देन द रेडियस 2 सेंटीमीटर इज, तो किस स्पीड से चेंज हो रहा है, 160 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 66। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज यूनिट, इलेक्ट्रॉन की क्या वैल्यू होती है, एनर्जी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67। द डायमेंशनलेस फार्मूला फॉर चेंज इन मोमेंटम इज सेम एज दैट फॉर, ये कब होता है, फोर्स में। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68। इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज जीरो देन द डिस्टेंस कवर्ड, कितना कवर करेगा, 68। मोर और मेनी नॉट बी जीरो, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69। सडन फॉल ऑफ प्रेशर एट अ प्लेस इंडिकेट, अगर सडन प्रेशर गिर रहा है, डाउन हो रहा है, तो वो क्या इंडिकेट करेगा कि स्ट्रोम, मतलब तूफान आने वाला है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70। द कंजर्वेशन फैक्टर टू चेंज फ्रॉम ग्राम पर सीसी टू केजी पर मीटर क्यूब इज, तो क्या हो जाएगा, 1000, 100, ओ सॉरी 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71। इफ द ए की पावर एक्स इजकल टू बी कामा बाई बी फिर कामा बाई की पावर बी की पावर बाई इजकल टू सी कामा सी की पावर जेड इजकल टू है देन द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इज, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72। इफ लॉग 2 अपॉन b माइनस c इजकल टू लॉग 3 माइनस c माइनस a इजकल टू लॉग 5 अपॉन a माइनस b देन द 2 की पावर a 3 की पावर b 5 की पावर c इजकल टू, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73। द वाटर फ्रॉम हैंड पंप इज वार्म इन विंटर बिकॉज, पानी ठंडक में गर्म क्यों आता है, उसका कारण होता है, द टेम्परेचर इनसाइड द अर्थ इज हायर देन द एटमोसफेयर टेम्परेचर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74। व्हेन हॉट लिक्विड इज प्रपोज्ड इनटू अ थिक गैस टर्बुलर इट क्रॉक्ड बाय बिकॉज ग्लास, गरम लिक्विड ग्लास में डालने से टूट जाता है, ऐसा क्यों, वो इसलिए होता है, इज अ बेड कंडक्टर ऑफ हीट सो ओनली इनर सरफेस एक्सपेंड, इनर एक्सपेंड होती है और बाहर का एक्सपेंड नहीं होता है, इस वजह से कांच टूट जाता है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी, तो कौन सा ह्यूमिडिटी मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं, सीलिंग साइकोमेट्री। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76। द सीरीज ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर एन की पावर माइनस वन इज, ये कौन सी सीरीज है, तो ये सीरीज है हमारी जियोमेट्रिक सीरीज। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77। फॉर द कंडीशन व्हेन थीटा
टेंड्स टू जीरो देन द वैल्यू ऑफ साइन थीटा टेंड्स टू कितना करेगी, वैल्यू इसकी टेन चेंज होके, तो ये हो जाएगा हमारा टेन थीटा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, द सम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस बी आई एंड दैट द ऑफ इट्स कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, 2a के बराबर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, अ पॉइंट मूव इन स्ट्रेट लाइन सो दैट इट्स डिस्प्लेसमेंट x मीटर एट टाइम t सेकेंड इज गिवन बाई एक्स स्क्वायर इजकल टू वन प्लस टी स्क्वायर इट्स एक्सीलरेशन एट द टाइम t इज, तो ये क्या हो जाएगा, वन अपान एक्स माइनस टी स्क्वायर अपान एक्स क्यूब, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80, अ 5 HP मोटर विथ मैकेनिकल इफिशियंसी ऑफ 60% वर्क फ्रॉम 2 आवर्स द एनर्जी कंज्यूम्ड बाई मोटर विल बी, 5 HP का मोटर है, 60% उसका इफिशियंसी है, 2 घंटा काम कर रहा है, तो कितना वो एनर्जी खर्च कर देगा, तो इसमें खर्च हो जाएगी 4.4 kW/h, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाइपरबोलिक फंक्शन 10 हाइपेक्स इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपान ई एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, इन एफ टेस्ट द टेस्ट क्राइटेरिया एफ इज द रेशियो ऑफ, क्या क्राइटेरिया होती है उसका रेशियो क्या होता है, वेरियंस, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, वेरियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 2 m/s, हाउ मच विल इट ट्रेवल इन 10 seconds इफ द एक्सीलरेशन इज 4 m/s, तो कितना हो जाएगा, 220 m, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस आई एक्स प्लस वन इजकल टू जीरो वेयर आई इजकल टू अंडर रूट माइनस वन हैज, तो क्या होगा, 2 imaginary root, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, द स्लोप ऑफ द कर्व वाई इज इक्वल टू 5/3 इंटू एक्स स्क्वायर एट एक्स बराबर एक्स इजकल टू 2 इज गिवेन बाई, किसने दिया, क्या देगा ये, तो 20/3, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, इफ साइन लेमडा इजकल टू 1/2 कामा द वैल्यू ऑफ द कोर लेमडा बिल बी, कोर लेमडा की वैल्यू क्या होगी, √3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, बाई स्क्वायर इजकल टू 4ax इज द फॉर्म ऑफ इक्वेशन, ये किस प्रकार की क्वेश्चन होगी, तो ये पैराबोलिक, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, कंसीडर टू वेक्टर्स f1 इजकल टू 2i प्लस 5k एंड f2 इजकल टू 3j प्लस 4k, द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ दीज वेक्टर इज, इसका क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, द मीन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज, फर्स्ट का मीन नेचुरल नंबर क्या होता है हमारा, n+1/2, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90, एक्स माइनस एक्स क्यूब अपान 3i प्लस 5x अपान 5i
माइनस सेवन एक्स अपान सेवन आई प्लस नाइन एक्स अपान नाइन आई इज एक्सपेंशन ऑफ, क्या हो जाएगा ये हमारा साइन एक्स, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, प्रोडक्ट ऑफ टू ऑर्थोगोनल मटेरियल्स इज, क्या होते हैं ऑर्थोगोनल ही होते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, इफ इफ इंटीग्रेशन ln x dE, क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा x ln x माइनस x प्लस c, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन मेजर, क्या मेजर करता है ये, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिजरेबल करेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, ऑप्शन ए हाइट ड्रिफ्ट, पुअर प्रोडक्टिविटी रिप्रोडक्टिबिलिटी, ऑप्शन सी हाई हाइड्रिटी, ऑप्शन डी हाई मेजरिंग लॉग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हाई फिडेलिटी, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, 1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू, 1 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर, कितने केल्विन के बराबर होती है, तो 273.15 केल्विन, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, तो कौन सा होता है 32R, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, लोड सेल आर यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ, लोड सेल कहाँ यूज करते हैं, वेट में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिफरेंशियल प्रेशर फ्लोमीटर, क्या कौन सा नहीं होता है, रोटोमीटर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, द फंक्शन ऑफ ए ट्रांसड्यूसर इज टू, ऑप्शन ए मॉडिफाई द इनपुट सिग्नल, ऑप्शन बी एम्पलीफाई द इनपुट सिग्नल, ऑप्शन सी केडिफाई डिकोफाई द इनपुट सिग्नल सिग्नल, ऑप्शन डी कन्वर्ट द प्राइमरी सिग्नल टू मोर यूजफुल क्वांटिटी यूजली इलेक्ट्रिक इम्पल्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, अ मर्करी बेरोमीटर मेजर द, क्या मेजर करती है एटमॉस्फेरिक, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैकेनिकल प्रेशर सेंसिंग एलिमेंट, ऑप्शन ए डिफार्म ब्लोवर्स बोड्रेन ट्यूब यूट्यूब, तो कौन सा नहीं होता है यूट्यूब, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102, द रैंक ऑफ द आइडेंटिफाई मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन इज, क्या रैंक होता है इसका एन, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103, डिटरमाइन वैल्यू ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इज, ऑप्शन ए जीरो नॉन जीरो, ऑप्शन सी कैन नॉट बी डिफाइंड, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104, इफ ए इज द नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन देन द रैंक ऑफ ए इज, इसकी रैंक क्या आ जाएगी एन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105, द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए,
रैंक क्या आएगी? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106, रैंक ऑफ नल मैट्रिक्स इज, नल मैट्रिक्स की रैंक क्या होती है? 0। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107, इफ बाई द एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ वेरिएबल एक्स इज वाई एफ एक्स देन देन द वाई इज कॉल्ड, तो हम वाई को क्या बोलेंगे? एक्सप्लिट फंक्शन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108, कॉस माइनस 435 डिग्री इजकल टू कॉस 15, सॉरी क्या आएगा इसके इक्वल में? कॉस 15 माइनस कॉस 15 माइनस साइन 15 या साइन 15, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साइन 15, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109, इफ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज डिवाइडेड इंटू 360 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स एंगल सबस्टेंड बाई वन पार्ट एट द सेंटर ऑफ सर्किल इज कॉल्ड, तो हम क्या बोलेंगे इसको? डिग्री, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110, इफ अर्थमेटिक मीन जियोमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन बिटवीन ए एंड बी रिस्पेक्टिवली देन द ए जी एच आर, तो ये हो जाएगा इन जियोमेट्रिक मीन पी जी पी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111, एक्स इजकल टू 80 की पावर 2 एंड वाई इजकल टू 280 आर परमेटिक इक्वेशन ऑफ, इसका इक्वेशन क्या बनेगा? पैराबोलिक वाई इजकल टू 4ax, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112, ट्रांसपोज ऑफ ए कॉलम मैट्रिक्स इज, तो ये हमारा हो जाएगा रो मैट्रिक्स, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113, 3x² प्लस 2x प्लस 1 इज आ, क्या होगा हमारा? पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री 2, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114, 114, इफ एन एन फैक्टर सी 12 इजकल टू एन सी 6 वैल्यू ऑफ एन इज फैक्टोरियल का है, तो ये हो जाएगा हमारा 18, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115, इफ ए ग्रेटर इजकल टू 0 देन ए इज, क्या हो जाएगा? ए इजकल टू 0 मैट्रिक्स, बी इजकल टू सिंगुलर मैट्रिक्स, सी इजकल टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ऑप्शन डी हो जाएगा 0, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंगुलर मैट्रिक्स, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116, इफ ए इज द सिंथेमैटिक मैट्रिक्स देन ए टी इजकल टू, क्या हो जाएगा ये हमारा? ए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117, इफ 1 रेडियन इज इक्वल टू, 1 रेडियन इजकल टू क्या होता है? 57 डिग्री 17 मिनट 45 सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118, इन अ मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन फॉर ए एंड बी, ए बी टी इजकल टू, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129, 119, इन 30 मिनट्स आवर हैंड ऑफ क्लॉक टर्न थ्रो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाई अपॉन 12 रेडियंस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, इंटीग्रेशन ए बी इक्वल टू एफ एक्स बराबर माइनस ए अपॉन बी एफ एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 121, वन एकड़ इक्वल टू एक एकड़ के बराबर कितना होता है। एक हेक्टेयर इक्वल टू 100 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122, द मिनिमम फ्रिक्शनल फोर्स विच कम्स इनटू प्ले व्हेन अ बॉडी जस्ट बीइंग टू स्लाइड ओवर द सरफेस ऑफ द अदर बॉडी इज नोन एज स्टैटिक फ्रिक्शन, डायनेमिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन या कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिफ्टिंग फ्रिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123, टू वॉल्स ऑफ इक्वल मास एंड परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल आर लाइंग ऑन द फ्लोर, वन ऑफ द वॉल्स विद वेलोसिटी वी एंड मेड टू स्ट्रोक द सेकेंड वॉल, बोथ द वॉल्स आफ्टर इम्पैक्ट विल मूव विद अ वेलोसिटी। ऑप्शन ए वी, ऑप्शन बी वी अपॉन टू, ऑप्शन बी बी अपॉन फोर, ऑप्शन डी बी अपॉन एट। तो ऑप्शन इसका क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बी अपॉन 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124, इफ द रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल फोर्स हैज द सेम मैग्नीट्यूड एज आइदर ऑफ द फोर्स देन द एंगल बिटवीन द टू फोर्स इज। तो कितना एंगल आ जाएगा, 120 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125, द पॉइंट थ्रू विच द होल वेट ऑफ द बॉडी एक्ट्स रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स पोजीशन इज नोन एज। ऑप्शन ए मोमेंटम ऑफ इनर्शिया, ऑप्शन बी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ऑप्शन सी सेंटर ऑफ प्रेसिजन, ऑप्शन डी सेंटर ऑफ मास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 126, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। ऑप्शन ए एक्सीलरेशन, ऑप्शन बी फोर्स, ऑप्शन सी स्पीड, ऑप्शन डी वेलोसिटी। तो जो हमारी एक्सीलरेशन वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, स्पीड। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इम्प्रेस्ड फोर्स एंड टेक्स प्लेस इन द सेम डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट, द स्टेटमेंट इज नोन एज। ऑप्शन ए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ऑप्शन बी न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ऑप्शन सी सेकेंड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 128, द ग्रेनुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी रोटिंग इन एन रिवोल्यूशन पर मिनट इज, कितने रिवोल्यूशन रोटेटिंग स्पीड क्या होती है इसकी, 2πn/60। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129, डायमेंशन ऑफ इम्पल्स इज, इम्पल्स की डायमेंशन क्या होती है, mL/t^-1। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 130, पास्कल सेकेंड हैज द डायमेंशन ऑफ, पास्कल सेकेंड किसका डायमेंशन है, कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 131, प्रेशर इज द यूनिट ऑफ टाइम वेलोसिटी डिस्टेंस फ्रीक्वेंसी, तो ये किसकी यूनिट है, डिस्टेंस का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 132, द मोस्ट कॉमन गैस यूज इन गैस क्रोमेटोग्राफी इज, और ऑप्शन ए फॉर्न, हीलियम, मेथेन, क्लोरीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीलियम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 133, विच ऑफ द एरर इन मेजर्ड इज चांस एरर एंड कॉज ड्यू टू अननोन रीजन। ऑप्शन नंबर ए इंस्ट्रूमेंट एरर, ऑब्जर्वेशनल एरर, रैंडम एरर, नन ऑफ द अबव। तो इसमें क्या एरर होती है, रैंडम एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 134, द कॉन्स्टेंट ए एंड बी फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाई इज इक्वल टू ए की पावर बी जेड कैन बी इजिली डिटरमाइन बाई प्लॉटिंग द डाटा ऑन सेमी, ऑप्शन ए सेमी लॉग पेपर, ऑप्शन बी लॉग पेपर, ऑप्शन सी सिंपल ग्राफ पेपर, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। हम इस पे किस पे प्लॉट करते हैं, ऑप्शन नंबर ए सेमी लॉग पेपर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सेमी लॉग पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिटलेस मेजरमेंट डिस्प्रेशन इज, क्या होता है, ऑप्शन ए कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ऑप्शन बी रेंज, ऑप्शन सी स्टैंडर्ड डेविएशन, ऑप्शन डी मीन डेविएशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 136, विच मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी रिक्वायर्ड डाटा अरेंजमेंट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर फॉर इट्स एस्टिमेशन। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका अर्थमेटिक मीन, ऑप्शन बी मोड, ऑप्शन सी मीडियन, ऑप्शन डी हार्मोनिक मीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मीडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 137, मीन डेविएशन इज लीस्ट व्हेन कैलकुलेटेड अबाउट, ऑप्शन ए मीडियन, ऑप्शन बी मोड, ऑप्शन सी अर्थमेटिक मीन या ज्योमेट्रिक मीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 138, हाइपोथेसिस ऑफ कमेटिंग टाइप आई वन फर्स्ट एरर इन स्टैटिक्स इज नोन एज। तो ये किसने फर्स्ट एरर बताया, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 139, विच इज करेक्ट फॉर द सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा, ऑप्शन ए मीन इजकल टू मोड, मोड इजकल टू मीडियन, ऑप्शन बी मीन लेस ग्रेटर देन मोड, मोड ग्रेटर देन मीडियन, ऑप्शन सी मीन लेस देन मोड लेस देन मीडियन, ऑप्शन डी मीन इजकल टू मोड लेस ग्रेटर देन मीडियन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मीन इजकल टू मोड, मोड इजकल टू मीडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140, टू कैलकुलेट द एवरेज स्पीड विच आइटम ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी इज मोस्ट सूटेड, तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, वेटेड हार्मोनिक मीन, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 141, अर्थमेटिक मीन एंड डेविएशन इज ऑलवेज इक्वल इन, कहाँ इक्वल होता है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 142, विच ऑफ दीज इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, ऑप्शन ए अर्थमेटिक मीन, ऑप्शन बी मोड, ऑप्शन सी मीडियन, ऑप्शन डी हार्मोनिक मीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा, नन ऑफ द अबव। तो ये कौन सा डाटा होता है, प्राइमरी डाटा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट मेजर ऑफ डिस्प्रेशन? ऑप्शन ए रेंज, ऑप्शन बी वेरिएशन, ऑप्शन सी 15 परसेंटाइल, ऑप्शन डी इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटर क्वार्टाइल रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 145, अलजेब्रिक सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज 0, अनडिफाइंड, मैक्सिमम, नन ऑफ द अबव। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 146, स्टैटिक इज अ न्यूमेरिकल क्वांटिटी विच इज कैलकुलेटेड फ्रॉम। ऑप्शन ए पॉपुलेशन, सैंपल डाटा, नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सैंपल ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 147, द स्ट्रेंथ डिग्री ऑफ कोरिलेशन बिटवीन अ सेट ऑफ आइडेंटिटी इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एंड डिपेंडेंट वेरिएबल वाई इज मेजर्ड बाई। कोफिशियंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ऑप्शन बी कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन, ऑप्शन सी स्टैंडर्ड एरर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 148, द परसेंट ऑफ टोटल वेरिएशन ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल वाई एक्सपेंडेबल वाई एंड सेट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स इज मेजर्ड बाई। ऑप्शन ए कोरिलेशन कोफिशिएंट, ऑप्शन बी कोफिशिएंट ऑफ डायमेंशन, ऑप्शन सी कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस स्टैंडर्ड एरर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 149, कोरिलेशन कोफिशियंट बिटवीन एक्स एंड एक्स इज ए इक्वल टू 0, बी इक्वल टू 1, सी इक्वल टू -1, डी इक्वल टू इनफिनिट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 150, द सम ऑफ द फर्स्ट एन क्यूब्स इन द ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 151, अर्थमेटिक इज यूज्ड फॉर मेजरिंग, सॉरी अर्थमेटिक नहीं, क्वेश्चन नंबर 151 कहता है अल्टीमीटर इज यूज्ड टू मेजर। अल्टीमीटर से क्या हम लोग मेजर करते हैं? तो हाइट ऑफ द प्लेस फ्रॉम MSL, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच, इस वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन, बाकी अब नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में होगा।